हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे ऊपर लगने वाले सारे आरोप निराधार। चर्चा कराने पर एनडीए में भी पड़ी फूट। पांच हजार आशियाने उजाड़कर भी नहीं थमा बरसात का कहर। झुंझुनू में दीवार ढही, एक महिला की मौत। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, 48 घंटे तक राज्य में मंडराता रहेगा बारिश का साया। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश का कहर, अस्पताल में घुसा पानी। ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचने में सर्जरी पर मंडराने लगा संकट। प्रबंधन पर उठने लगे सवाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लहरों में घंटों तक फंसी रही जान। गोताखोरों ने दोनों की बचाए जान। तेज बहाव की वजह से फंस गया था ट्रैक्टर। और छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने किया बंद का आह्वान। कांकेर और नारायणपुर में दिखने लगा असर। ओरछा बाजार और तारकेगुड़ा की घटना के विरोध में बंद। बढ़ाई गई इलाके में सुरक्षा। नमस्कार, आपकी सेहत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और आपकी सेहत में आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद पर। तो आज के इस आधुनिक युग में हर कोई डिप्रेशन यानी कि टेंशन का शिकार है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई युवा हो और चाहे बुजुर्ग। हर कोई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, टेंशन से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसे खुद से दूर रखना काफी ज्यादा आसान है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी बात को लेकर मन उदास होना या तनाव होना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये उदासी और तनाव लंबे समय तक बना रहे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एक कारण से नहीं होती, बल्कि कई कारणों से मिलकर होता है डिप्रेशन। इनमें केमिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर शामिल हैं। डिप्रेशन मानव जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है, फिर चाहे वो आपका व्यवहार हो, स्वभाव हो, लाइफस्टाइल हो या फिर हो सोचने समझने की शक्ति। साथ ही डिप्रेशन के शिकार लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ प्रभावित होती है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसका शुरुआती दौर में तो शरीर पर कोई असर नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये आदमी के व्यक्तित्व पर छा जाती है और उसे नष्ट कर देती है। इंसान अपने जीवन से इतना निराश हो जाता है कि वो खुदकुशी करने की सोचने लगता है। इसलिए अगर आप अब उन कामों में अरुचि दिखाने लगे हैं जिन्हें पहले आप बेहद रुचि के साथ किया करते थे, या फिर बहुत ज्यादा या बहुत कम सोने लगे हैं और वजन में भी लगातार गिरावट आ रही हो, तो इन लक्षणों को कतई नजरअंदाज ना करें और दो हफ्तों से ज्यादा होने पर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इससे पहले ये भी जरूरी है कि ऐसा कोई उपाय किया जाए जिससे आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। इसके बावजूद अगर डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, तो तुरंत इलाज शुरू कर दें और खुश रहने की कोशिश करें। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल से मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय निहलानी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि साथ ही कैलाश हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर अजय निहलानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके शुक्रिया। डॉक्टर अजय निहलानी, शुरुआत हम यहाँ पर करें तो सबसे पहले तो हम अगर डिप्रेशन को लेकर बात करें, आजकल हमने देखा है चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई युवा हो, कोई बुजुर्ग हो, हर जगह जो एक बहुत कॉमन वर्ड हम सुनते हैं टेंशन है। टेंशन किस बात की है, इसकी कोर वजह शायद पता नहीं होती, लेकिन बहुत सारी वजह होती है। आखिर उसके पीछे का हम मुख्य जड़ को अगर समझना चाहें, टेंशन के पीछे की, डिप्रेशन के पीछे की एक बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए, जो जो आपने अभी अभी बात कही कि लोगों की लाइफस्टाइल्स को लेकर जो चेंजेस
आ रहे हैं और जो रहे हैं उस वजह से जो टेंशन आ रही होती है वो एक अलग बात हुई, उस वजह से डिप्रेशन पैदा होता है वो एक अलग फील्ड में हम चले जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे कि लाइफस्टाइल्स लोगों की हो गई हैं, जो दिनचर्याएं जिस प्रकार बंद गई हैं, सपोर्ट फैमिली का, फ्रेंड्स का शायद उतना होता नहीं। हाँ, कहने के लिए आपके पास 500 फ्रेंड्स फेसबुक पर होते हैं, पर रियलिटी में शायद कोई खास ऐसी रिलेशनशिप जहां आप अपने मन की बात सचमुच कह सकें, शेयर कर सकें बिना इस परवाह के कि लोग क्या सोचेंगे कम होती जा रही है। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है आजकल, स्पेशली शहरी जिंदगी में, जहां पे डिप्रेशन का कारण जो बनता है। बिल्कुल, शहरी ज़िंदगी में जिस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्व रहने लगे हैं और साथ ही खुद के लिए वक्त नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़, एक मशीनरी ज़िंदगी लोगों की हो चुकी है जिसके बाद वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन डॉक्टर अजय निहलानी, अगर हम डिप्रेशन के टाइप्स की बात करें, अलग अलग तरह के डिप्रेशन क्या देखने में मिलते हैं लोगों के, कुछ उसके टाइप्स भी होते हैं? हाँ, देखिए, डिप्रेशन शब्द अपने आप में एक एक बहुत वाइड फील्ड है। मोटे तौरों पे अगर आप कहना चाहें, जो साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है, तो यूनिपोलर डिप्रेशन, यानी कि सिर्फ डिप्रेशन ही डिप्रेशन आ रहा होता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन के साथ साथ दूसरे फेजेस आते हैं, जब वो मैनिक हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, जिसे बाइपोलर डिप्रेशन या मैनिक साइकोसिस कहा जाता है। साथ ही साथ साइकोटिक डिप्रेशन हो गया, जहां आप इतने अधिक डिप्रेस्ड होते हैं कि रियलिटी से, यथार्थ से आपका नाता कटने लगता है, आपकी सेंसेस आपको धोखा देने लगती हैं, एक अपनी अलग दुनिया बन जाती है जिसमें आप खुद रहना पसंद करते हैं, आप खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं करते, और वो एक दुनिया जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है लोगों को। अलग अलग तरह के डिप्रेशन इस तरह के सामने आते हैं। अब हमारे साथ एक कॉलर डॉक्टर अजय जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ किरण जी जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकती हैं आप अपना? किरण जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो किरण जी, सवाल पूछ सकती हैं आप अपना? नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं बहुत, सिर मेरा दुखता है और ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ, ज्यादा किसी से बोलना नहीं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, नींद नहीं आना, रात में सोचते रहना, मतलब दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, रात में सोने के बाद भी दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। डॉक्टर जी, इसी ऐसी स्थिति आपकी कब से बनी हुई है? ये मेरे को तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने हुए हैं। मेरी सलाह ये होगी कि अभी आपको कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप स्टार्ट करने के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से इस बारे में बात करें। आजकल बहुत ही कारगर दवाइयां उपलब्ध हैं, जिनसे प्रोबेबली कुछ ही हफ्तों में आपकी परेशानी सॉर्ट आउट हो सकती है। जहां तक सरदर्द की बात रही, तो उसमें थोड़ा सा इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि क्या ये सरदर्द डिप्रेशन टेंशन की वजह से ही है या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। जी डॉक्टर अजय, टेंशन की जब आपने यहाँ पर बात की, तो वाकई में टेंशन हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग वजह होती है, और अगर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन फिर भी हमने देखा है छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी अपनी अलग टेंशन होती है, जो वर्किंग लोग हैं, युवा हैं, उनकी अपनी अलग टेंशन होती है, जो रिलेशनशिप्स में हैं उनकी अपनी अलग टेंशन, पर्सनल लाइफ की, हस्बैंड वाइफ की अपनी अलग टेंशन, इन सबको मैनेज करना कितना ज्यादा आसान है, किस तरह से आखिर इन्हें मैनेज किया जाए कि कम से कम टेंशन हो या फिर डिप्रेशन की तरफ ये टेंशन्स ना जाए। देखिए, डिप्रेशन जहां हम, जो आपने शब्द कहा, टेंशन होना, स्ट्रेस होना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। कुछ हद तक स्ट्रेस किसी भी काम के लिए जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते, थोड़ा सा एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो प्रोबेबली अपना 100% भी आप अपने काम को नहीं दे पाते हैं या देते नहीं है सचमुच। तो टेंशन या थोड़ा सा स्ट्रेस में रहना कोई बुरी बात नहीं होती है। बात बुरी तब हो जाती है जब ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस में बदल जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि आप अपने काम में, अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशंस में ध्यान नहीं दे पाते हैं। हाँ, जहां तक डिप्रेशन की बात होती है, एक मेजर कारण आता है होपलेसनेस का। जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि जो वो कर रहा है उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है या नहीं होगी, इस तरह की जो स्थिति है, और डिप्रेशन खुद एक इस तरह की बीमारी है जहां पर आके व्यक्ति खुद काफी होपलेस हो चुका होता है।
अगर मैं इसको इस इन शब्दों में कहना चाहूं कि आप इस तरह का चश्मा पहन लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, जो कि डिप्रेशन के कलर से दुनिया को देखना शुरू कर देती है, तो जो पॉजिटिव चीजें भी जिंदगी में हो रही होती हैं उनमें भी वो आनंद नहीं मिलता, वो होप नहीं जागृत होती है। इसी पॉजिटिविटी की यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं, होपलेसनेस आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वाकई में होपलेसनेस होना, जिंदगी में सारी चीजों को नकारात्मक तौर पर देखना, पॉजिटिव सोच ना रख पाना, एक व्यक्ति खुद की इसमें कितनी ज्यादा मदद कर सकता है, उसका कितना बड़ा रोल खुद में बन जाता है? देखिए, व्यक्ति अपनी मदद खुद बहुत हद तक कर सकता है। कई बार हम जिन लोगों को देखते हैं उनको राह दिखाने की जरूरत होती है, उनको इस बात के एहसास दिलाने की जरूरत होती है कि जो उनके सोचने का तरीका है उसमें कमी कहाँ आ रही है। कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि जिनकी जिंदगी में काफी सारे पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं, लेकिन आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही ध्यान देते हैं, वो नकारात्मक सोच, जिंदगी में जो भी नकारात्मक हो रहा है उस पर ध्यान देना, उसको मैग्नीफाई करते चले जाना, नुकसान 2 पैसे का हुआ लेकिन वो सब कुछ उसी में खत्म हो गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता वाली सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। जो लोग इसको बदलना शुरू करते हैं, और हम थेरेपी में लोगों को ग्रेजुअली जब इनकरेज करते हैं कि जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों पर भी ध्यान दें, अपने आप को शाबाशी दें, तो इम्प्रूवमेंट आता है। बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाशना, खुश रहना, हंसना, साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना एक बहुत बड़ा एक तरीका हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है डिप्रेशन को, या फिर हम जैसे डिस्ट्रेस कहते हैं उसको खुद से दूर रखना एक बहुत बड़ा ये रास्ता हो सकता है। डॉक्टर अजय, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।